हेलो फ्रेंड्स सो वंस अगेन आई एम बैक विद वन मोर सेट दैट इज सेट नंबर 45 हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए और सेट नंबर 48 है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तो so, मेरा फोकस मैथमेटिक्स पे होगा तो हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 36 से तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 जो बोल रहा है आपके लिए ये है कि ट्वेंटी फाइव पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन ट्वेंटी फोर डेज देन हाउ मेनी पर्सन कैन डू द सेम वर्क इन ट्वेंटी डेज यदि पच्चीस आदमी चौबीस दिनों में काम करते हैं तो बताइए कितने आदमी इसी काम को वही काम को अगर 20 दिन में करना है तो हमें कितने आदमी लगेंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन है तो जब कभी भी इस टाइप के टाइम एंड वर्क वाले जो क्वेश्चन आते हैं इतने आदमी इतने दिन देज दीज मेनी पीपल दीज मेनी डेज तो कंपल्सरी यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला दैट इज एम डी एच ओके इज इक्वल टू एम डी एच यू कैन यूज दिस क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन आप डायरेक्टली इस तरह से फॉर्मूला एक यूज करें तो बेटर रहेगा डिवाइड बाय डब्ल्यू भी मैं देता हूँ डिवाइडेड बाय डब्ल्यू अब आपको क्या करना है देखिए याद रखने के लिए एम वन डी वन एच वन डब्ल्यू वन और यहाँ पे लिख दीजिए टू 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 ठीक है यहाँ मैंने आपको पिछले सेट में भी बताया था एम मतलब मैन होता है D मतलब जितने भी डेज है वो यहाँ पे आपको लिखना है एच मतलब अगर आर्स गिवन है क्वेश्चन में तो आप आर्स करके लिखिएगा वहां पे और W क्या है वर्क कभी कभी वो वर्क देते हैं कि यहाँ पे इतने मशीन बनाने हैं

नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एल से पूछा है सिंपल सा फॉर्मुला रिलेटेड क्वेश्चन बी ये है इसका फॉर्मूला ए प्लस बी द वोल क्यूब का फॉर्मूला है सब कुछ पॉजिटिव रहता है ए क्यूब बी क्यूब प्लस थ्री ए बी एंड इंटू ए माइनस बी अगर सेम क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए माइनस में इफ क्वेश्चन इज ऑल्सो दिस इज एक्स्ट्रा ए माइनस बी द वोल क्यूब अगर पूछेंगे आपको क्या याद रखना है सब कुछ नेगेटिव कर दो प्लस का जो भी है चीज ना प्लस उसे नेगेटिव कर दीजिए सर प्लस को नेगेटिव कर दो प्लस को नेगेटिव कर दो तो क्या हो गया सर ए क्यूब माइनस हो गया बी क्यूब प्लस है सर माइनस कर दो थ्री ए बी फिर से प्लस आ गया इसे भी माइनस कर दीजिए ये हो गया आपका फॉर्मूला ए माइनस बी द वोल क्यूब का आप बोलोगे सर एक और फॉर्मूला होता है उसके लिए क्या है देखो एक और फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है इसे भी आप याद करिए हाँ क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है इवन दिस विल बी आस्ट इन द एग्जामिनेशन सो इम्यूला इज ए प्लस बी इन टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्र दिस इज द फॉर्मूला इफ द एग्जामिनर इज आस्किंग अदर फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस इज देयर सो फर्स्ट वन बिकम्स माइनस ए माइनस बी एंड दिस साइड एवरीथिंग इज पॉजिटिव हियर ठीक है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बर दिस ए प्लस बी द होल स्क् ए माइनस बी द होल स्क् ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो तो फॉर्मूला आपको पता ही है ठीक है तो वो फॉर्मूले भी आप याद रखिए अभी के लिए इतना ये ठीक है ए प्लस बी द होल स्क्वायर ऑलरेडी मैंने पिछले वाले में दिया था इसलिए मैंने अभी इतने ही फॉर्मूले लिखे तो ये हो गया थर्टी सेवन का क्वेश्चन तो थर्टी सेवन के लिए आपने जो आंसर दिया वो था एस प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी ये था आपका सो नेक्स्ट so, क्वेश्चन नंबर थर्टी एट की तरफ यहाँ पे बोला है एक ट्रैंगल इज देयर एक त्रिभुज में एथ एट्टी डिग्री है कोई भी एक ट्राइंगल बना दो और ये बेसिकली अगर एट्टी डिग्री हो गया बी अगर आपका नाइन्टी डिग्री है बेसिकली राइट एंगल है चलो क्योंकि एक एंगल हमारा नाइन्टी डिग्री वाला है तो यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया सर दिस इज नाइन्टी डिग्री दिस इज एटी डिग्री बनाने की कोई जरूरत नहीं है मैं आपको रिप्रेजेंट समझाने के लिए, लिए, लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर ये है आपका सी ए बी सी तो याद रखिए कोई भी ट्राएंगल हो लेट दिस बी एनी ट्राइंगल ऑल द एंगल्स इन एनी ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री कोई भी ट्राइंगल हो उसमें सम हमेशा 180 डिग्री होता है तो आपको बताना है सी वाला कितना है देखो 80 एंड 90 मिलके कितना हुआ 170 हुआ 80 एंड 90 मिलके 170 होता है तो सी की वैल्यू कितनी आएगी सर 10 आएगी क्योंकि एटी 90 170 को भेज दो साइड 180 एटी माइनस वन सर 10 डिग्री तो so, 10 डिग्री इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन सो सी इज वन टेन डिग्री ओके थर्टी नाइन इज क्या बोला है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल इज फोर बाय फाइव फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज तो यहाँ पे जो गिवन है हमें ये बेसिकली रेडियस का रेशियो गिवन है सर रेडियस रेशियो इज फोर इज टू फाइव दिस इज एंड वॉट यू हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द सर्कल यू हैव टू फाइंड दिस एरिया रेशियो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल देखो रेशो ए इज टू बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए बाई बी ऑल्सो एंड दैट इज द रीजन मैंने लिखा है एरिया रेशो ए वन बाय ए टू लाइक दिस इज इक्वल टू कैन यू टेल मी वॉट इज द फॉर्मुला फॉर एरिया ऑफ अ सर्कल तो आपने बोला एरिया ऑफ अ सर्कल इज सर स्क्वायर अगेन एरिया ऑफ अ स्क्वायर सर्कल इज पाए आर स्क्वायर तो देखो ये रेडियस वन है ये रेडियस टू है क्योंकि ये सर्कल वन का रेडियस आर वन सर्कल टू का रेडियस आर टू आप कंसिडर कर सकते हो

का क्वेश्चन आने दो फॉर्मुला ही यूज करके कीजिए वी कैन इज द प्रिंसिपल कितना है दिस इज द प्रिंसिपल एक मूलधन प्री मतलब मूलधन होता है तो so, मूलधन कितना है आपका सर मूलधन हमारा 5000 हजार है प्रिंसिपल इज फाइव थाउजेंड वट इज द टाइमिंग टाइमिंग आपने बोला फोर ईयर है ओके okay? रेट कितना है तो सर आप बोलोगे रेट गिवन है फोर एंड हाफ परसेंट मिक्स फ्रैक्शन में है इट गिवन इन मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्टेड में है हमारे पास हंड्रेड ठीक है सो जीरोज एंड जीरो गेट्स कैंसल एंड टू से ये कट कर फाइनली आपने बोल दिया फिफ्टी इन टू कितना हो गया

प्रिंसिपल मतलब ही बेसिकली होता है सम प्रिंसिपल बोलते हैं कभी कभी एग्जामिनर इसको सम बोलते हैं तो दोनों आपके सेम ही है प्रिंसिपल मतलब ही सम होता है ठीक है प्रिंसिपल 450 फिफ्टी बिकम्स कभी भी याद रखो ये जो बिकम्स वर्ड है ना बिकम्स हिंदी में तो ईजी है फोर फिफ्टी रुपए की राशि तीन वर्ष में चार सौ पांच सौ हो जाती है देखो प्रिंसिपल क्या बनता है आगे प्रिंसिपल बिकम्स हमेशा अमाउंट प्रिंसिपल बिकम्स जो भी दिया है ना बिकम्स वर्ड मतलब प्रिंसिपल इज बिकमिंग अमाउंट अमाउंट so आपको लिखना है कितना सर फाइव हंड्रेड एंड फोर मुझे बोलिए बैंक में आपने फोर फिफ्टी जमा की थी प्रिंसिपल इज द मनी विच यू डिपॉजिट इन द बैंक एंड यू आर गेटिंग फाइव हंड्रेड एंड फोर बैंक सो हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट यू गॉट सर वी गॉट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फोर फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड फोर हाउ मच एक्स्ट्रा सर फिफ्टी फोर रुपीज एक्स्ट्रा फिफ्टी फोर रुपीज एक्स्ट्रा दिस इज सिंपल इंटरेस्ट वॉट वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आर वी हैव टू फाइंड आर इज इक्वल टू हाउ मच यूज द फॉर्मूला अगेन एस आई टू पी टी आर बाई हंड्रेड ये आपने किया यूज सिंपल इंटरेस्ट में एस आई फिक्स कर दो फिफ्टी फोर है सर प्रिंसिपल कितना है सर प्रिंसिपल हमारा है फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी है अब टाइमिंग की बात आती है देखो टाइमिंग जो कितना है सर टाइमिंग थ्री ईयर्स है टाइमिंग तो थ्री था तो ये थ्री सब्सिट्यूट करना है हमें इधर तो टाइमिंग थ्री है आर हमें पाइंड करना है डिवाइड बाई हंड्रेड कर दीजिए जीरो से जीरो आप चाहे तो कट कर सकते हो

इसके बताने ठीक तो uh, मतलब है? तो थ्री से कट कट से हो जाएगा कैसे किया मैंने देखो और ये ये मतलब होता है ऑल्सो आप देख सकते हैं थ्री के टेबल में फिफ्टीन आता है थ्री के टेबल में फिफ्टीन आता है सर थ्री फाइव फिफ्टीन तो थ्री से यूज करो

सर सेवन वन जार सेवन सेवन फोर हजार ट्वेंटी एट सेवन थ्री ट्वेंटी वन वन फोर्टी थ्री आ गया क्या ये नंबर अब सेवन से कट होगा नहीं सर वन फोर्टी थ्री सेवन इट इज नॉट डिजिबल देवन एलेवन विजन थ्री बचा इलेवन थ्री इजार थर्टी थ्री एंड फाइनली थर्टीन इज लेफ्ट थर्टीन वन जार थर्टीन सो प्राइम फैक्टर्स आर थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन वेर आर द ऑप्शन थ्री फाइव सेवन एलेवन थर्टीन ऑप्शन नंबर बी दैट्स फॉर द क्वेश्चन दीज आर द प्राइम फैक्टर्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री यहाँ पे बोला है क्या रेडिया ऑफ रेडियस ऑफ टू सिलेंडर इज इन द रेशो थ्री बाय टू इस यदि दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात तीन बटा दो है और ऊंचाई का अनुपात फोर बाय थ्री है तो उनके आयतन का अनुपात कितना होगा देखिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी रेडियस आपको पहले तो गिवन है कि रेडियस का रेशियो रेडियस रेशो ऑफ अ इज थ्री इज टू टू वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेंडर सिलेंडर इज दिस इज ओके दिस इज सिलेंडर ये होता है एक सिलेंडर तो सिलेंडर के रेशो दिया है किसका रेडियस का साथ ही साथ आपको क्या दिया है हाइट का दिया है तो हाइट का रेशियो कितना है सर आपने बोल दिया फोर इज टू थ्री है आपको क्या बताना है सर फाइंड द रेशो ऑफ वॉल्यूम्स तो वॉल्यूम का रेशो बताना है वॉल्यूम वन बाय वॉल्यूम टू इसका मुझे बताना है रेशो मुझे बोलिए वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है जब कभी भी रेशो वाला क्वेश्चन आता है किसमें आपके ज्योमेट्रिकल फिगर्स में आता है स्क्वायर रेक्टेंगल्स एंड क्यूब्स जो भी होगा तो कंपलसरी उसका एक फार्मूला आप राइट में लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ क्योंकि दे आर आस्किंग समथिंग अबाउट वॉल्यूम सो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज नथिंग बट कितना बोला था मैंने पाई आर स्क्वायर एच ये कैसे आया पाई आर स्क्वायर एच मैंने प्रीवियस क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं उसमें बताया है था आपको आपने लिख दिया सर इट इज पाई आर स्क्वाच और ये भी हो गया पाए आर स्क्वायर एच हो गया अब सब कुछ कट मत करना क्यों क्योंकि दिस इज हर रेडियस वन दिस इज हाइट वन दिस इज रेडियस टू दिस इज हाइट टू ओनली पाई वैल्यू पाई वैल्यू गेट कैंसल व्हाई बिकॉज पाई वैल्यू इज ट्वेंटी टू बाई सेवन कट कट हो गया अब रेडियस वन कितना है सर थ्री है तो थ्री का स्क्वायर कितना होगा वो लिख लीजिए ठीक है एग्जाम में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो एच इज इक्वल टू कितना है हाइट कितना है पहले वाले का ये फर्स्ट है ये सेकेंड है पहले वाले का हाइट कितना है सर फोर है ठीक है रेडियस टू कितना है सर रेडियस टू टू है तो टू का स्क्वायर यहाँ पे आएगा इन टू हाइट कितना है सर हाइट है थ्री है तो देखिए थ्री स्क्वायर कितना हो गया सर आपने बोला नाइन हो गया थ्री स्क्वायर नाइन हो गया एज इट इज स्क्वायर कितना हो गया सर फोर हो गया इन टू थ्री एज इट इज चार से चार कट हो गया सर थ्री वन जी थ्री थ्री नाइन वॉट इज लेफ्ट फाइनली सर इट इज थ्री डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर नथिंग इज देयर मीनस इट इज वन सो थ्री बाय ऑप्शन नंबर बी में है तो so इसका रिजल्ट हो गया थ्री इज टू वन दैसर फॉर द क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन इज क्वाइट इजियर टाइप के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो फॉर्मुला कंपल्स आपके दिमाग पे रहना चाहिए क्यूब क्यूबॉइड स्पियर हेमिस एंड जिस ये जो सिलेंडर है थ्री में स्पेशली इसे याद रखिए फोर्टी ये क्या बुलाया अगेन देखो रघु वेव्स 25 बास्केट इन 35 डेज हाउ मेनी डेज विल ही वेव 110 बास्केट रघु ने 25 टोकरी 35 दिन में तैयार करता है तो 110 सौ टोक, दस टोकरी के लिए कितने दिन लगेंगे देखो ये काम का वर्क है काम और समय मतलब टाइम एंड वर्क और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक चीज बोली थी थोड़ी देर पहले एम डी एच मसाला यूज करना है एम डी एच बाय एम डी एच और नीचे क्या लगाना है सर नीचे डब्लू लगाना है ठीक है और डब्लू क्या होता है सर डब्लू इज बेसिकली वर्क होता है ठीक है जो भी वर्क वो कर रहा है वो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग वाले सेंटेंस में रघु ने एक ही आदमी है मतलब छोड़ो मैन को छोड़ दो आप एक ही आदमी है ना इट 25 बास्केट बनाए 25 बास्केट ये 25 बास्केट क्या है सर व्हाट दिस इज सर 25 बास्केट इज बेसिकली वर्क तो इसने 25 बास्केट बनाए इन हाउ मेनी डेज ही मेड सर 35 डेज सो डी इज इक्वल टू हाउ मच 35 फाइव थिंक सर व्हाट इज आर नॉट गिवन लिव इट ठीक है नो प्रॉब्लम नाउ हाउ मेनी डेज विल ही विव हंड्रेड टेन बास्केट नाउ इफ यूट अभी हंड्रेड एंड टेन और दिस हंड्रेड एंड टेन हाउ मेनी डेज इज गोइंग टू टेक कितना डेज उसको लगेगा यही तो आपका क्वेश्चन है तो एक सौ दस बास्केट के लिए कितना दिन पच्चीस बास्केट पैंतीस दिन में तो एक सौ दस बास्केट कितने डेज में आपने किरना है फाइव का टेबल फाइव सेवन जार फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव ठीक है ये कर दिया आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हो या फिर जैसे भी आपको करना है मैं कर देता हूं पहले तो इसे इधर से इधर मल्टीप्लाई हंड्रेड टेन इंटू सेवन दैट इज नथिंग बट सेवन सेवन जीरो डिवाइड बाई फाइव सो डी इक्वल टू आपका जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है फाइव वन जा फाइव 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 ट्वेंटी फाइव एंड बच गया आपका दो फाइव फोर जैद ट्वेंटी वन हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर डेज दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन ठीक है वन हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर डेज ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर लास्ट क्वेश्चन जो बोला है एजेस एजेस का क्वेश्चन आई थिंक यस एज ऑफ पूजा इज फोर टाइम दैट ऑफ पूजा पूजा के पिताजी की आयु पूजा के उम्र से चार गुनी है इस टाइप के जो कोई क्वेश्चन आते हैं चार गुना पांच गुना छना गुना, एक बाय दो गुना कंपल्सरी सेंटेंस को रेशो में कन्वर्ट करना है याद रखिए वेन एवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है तो रेशो को सेंटेंस को रेशो में कन्वर्ट करो देखो पूजा और ये मैं लिखता हूँ पूजा पी और पूजा के फादर यहाँ पे लिखता हूँ मैं फादर आप चाहे तो पी और एफ करके लिख सकते हैं ठीक है ये तो, क्या है पूजा इज सर फोर टाइम्स पूजा के फादर पूजा से फोर टाइम्स ज्यादा है तो अगर पूजा वन है तो फादर का क्या होगा रेशो सर फादर का रेशो फोर होगा तो ये आपको पता है फाइव ईयर एगो हर फादर एज वॉज नाइन टाइम्स हर एज तो देखो सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ कि फाइव ईयर एगो कंडीशन क्या था सर पाँच साल पहले फाइर एगो हर फादर वॉज नाइन टाइम्स ऑफ हर एज मीन्स अगर पूजा वन थी उस टाइम पे वन रेशो आई एम टॉकिंग अबाउट रेशो तो फादर इज हाउ मच नाइन टाइम्स फादर कितना है पिता कितना है नौ गुना नौ गुना मतलब कितना एक का नौ गुना कितना हो जाएगा नौ हो जाएगा सर वन इज टू नाइन और प्रेजेंट प्रेजेंट में क्या चल रहा है रेशो अभी सर प्रेजेंट में फादर फोर टाइम्स है प्रेजेंट में फादर बेटी से चार गुना है मतलब अगर बेटी एक रेशो है तो ये फादर कितना हो गया चार हो गया नाउ वी हैव फ्रॉम दिस टू टू थिंग्स वी हैव फाइंड दोनों की वर्तमान आयु फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड पूजा आपको बतानी तो दिस क्वेश्चन कैन बी डन बाय वेरियस मेथड्स मेथड मैथड वन मेथड टू मेथड थ्री बट आई विल जस्ट टेल यू ओनली वन सिंगल मेथड नाउ क्योंकि मैथड चाहे तो मैं आपको साइड में करके दूसरा बता दूंगा लेकिन कंफ्यूजन नहीं करना है उसमें ठीक है उसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको तो मैं इजी वाला मेथड आपको देता हूं एक्स वाला जैसे हम अगर हमने एज्यूम किया कि प्रेजेंटली ये वन एक्स है सर और फादर फोर एक्स है तो हमने लिख दिया कि पूजा और पूजा के पिताजी को एफ लिख दिया पूजा कितनी है अभी सर अभी वो वन एक्स की है और फादर का एज कितना है आपने बोला सर ये फोर एक्स है पाँच साल पहले कितने थे वन इस टू नाइन थे देखो प्रेजेंटली एज पूजा का अगर वन एक्स है प्रेजेंट एज ऑफ पूजा इज वन एक्स तो फाइव ईयर बैक शी वॉज फाइव ईयर लेस है ना वो कितनी थी पाँच साल छोटी थी तो पाँच साल पहले जाना है तो क्या करना है माइनस अगर क्वेश्चन बोलेगा फाइव ईयर लेटर तो क्या करेंगे सर प्लस फाइव बैक वी हैव टू गो देन माइनस फाइव ईयर ऑल्सो फादर ऑल्सो वी हैव टू गो ईयर बैक तो माइनस द इज हाउ मच सर वन बाय नाइन यू कैन जस्ट सॉल्व दिस आई सॉल इट हीयर एट द डाउन क्योंकि यहाँ पे शायद मैं आ रहा हूँ यहाँ पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर से इधर सर नाइन वनजा नाइन एक्स ठीक है माइनस नाइन फाइव जोटी फाइव इक्वल टू ये नंबर इधर क्रॉस कर दीजिए पूरा फोर एक्स माइनस फाइव फोर एक्स वनजा फोर एक्स माइनस फाइव वनजा फाइव नाइन एक्स माइनस फोर एक्स इज नथिंग बट ये नंबर एक्स को इधर कर दो नाइन माइनस फोर दट इज नथिंग बट फाइव एक्स फोर्टी फाइव को कर दो इस साइड तो प्लस फोर्टी फाइव हो जाएगा फोर्टी फाइव माइनस फाइव वेल बी फोर्टी ठीक है एंड एक्स इज इक्वल टू फाइव एट जा सो so एक्स की वैल्यू एट आ गई तो आपको क्या बताना है प्रेजेंटली फादर कितना है तो आप देखिए यहाँ पर ब्लू कलर से मैं बोलता हूँ सर प्रेजेंटली फादर वन एक्स है तो so फादर का आई I मीन mean, पूजा पूजा कितनी है प्रेजेंटली सर वन एक्स है तो so एक्स की वैल्यू कितनी आई एट सो वन एट जा सर एट ईयर फादर इज हाउ मच सर फादर इज़ फोर एक्स वर्ट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स एट सो फोर एट जा थर्टी टू ईयर्स एट ईयर्स एंड थर्टी टू ईयर्स सो फादर एज इज 32 टू ईयर्स एंड पूजा एज इज एट ईयर्स ऑप्शन नंबर ए पिता की आयु बत्तीस है और पूजा की आयु आठ वर्ष है तो ये हो गए हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इसके बाद में मैं लेके आ रहा हूं पिछला वाला सेट मैं पूरे के पूरे सेट्स आई एम डूइंग ऑल द सेट्स इन द रिवर्स वे फिफ्टी फोर्टी नाइन फोर्टी एट फोर्टी सेवन ऐसे करके रिवर्स में पूरे के पूरे फिफ्टी सेट्स हम इस चैनल पर अपलोड कर देंगे थैंक यू एवरी धन्यवाद